हेलो दोस्तों, आज मैं आपको न्यूटन डिस्क बनाना सिखाऊंगा। इसे बनाने में थोड़ा सा सामान चाहिए और बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इसको बनाना सीख जाएंगे। आपको कहीं से भी कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बनी बनाई किट बहुत महंगी पड़ती है और अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो बहुत ही कम पैसों में आपकी अच्छी किट बन जाएगी। इसे बनाने के लिए आपको एक मोटर ख़रीदनी है, आसानी से कहीं भी इलेक्ट्रिकल शॉप से आपको मिल जाएगी डीसी मोटर। एक बैटरी लेनी है आपको, 9 वोल्ट की बैटरी, और एक बैटरी कनेक्टर चाहिए आपको। उसके एंड पे दोनों पे क्रोकोडाइल क्लिप बैटरी को कनेक्ट करने के लिए मोटर के साथ, और एक कोई भी सीडी, पुरानी सीडी या नई सीडी, उस पे 7 कलर का रेनबो कलर का आपको ये न्यूटन डिस्क प्रिंट आउट लगाना है। यह आप हाथ से भी ड्राइंग करके भी बना सकते हैं। इसको हमने चिपका दिया। इसके बीच में हमने एक रबड़ का ईवा शीट का टुकड़ा लगाया है, इसमें मोटर को कनेक्ट करने के लिए, आसान बनाने के लिए। इसको हमने बीच में देखिए ऐसे लगा दिया, और एक ईवा की सीट का हमने बेस तैयार किया है ताकि इसको हम स्टैंड कर सकें। ये स्टैंड लगा दिया इस तरह से। इसमें अब हमें मोटर लगानी है सेंटर में, ये देखिए मोटर लगा दी। अब इसके मोटर के शाफ्ट में ये सीटी को हमें कनेक्ट करना है। बहुत ही आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब हमें बैटरी कनेक्ट करनी है, पहले कनेक्टर लगाएंगे, उसके बाद देखिए क्रोकोडाइल क्लिप को, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव को एक एक करके लगा देंगे। पहले पॉजिटिव लगाया हमने, अब नेगेटिव लगाएंगे, और ये देखिए मोटर चलने लगी, न्यूटन डिस्क घूमने लगी। और जब ये न्यूटन डिस्क घूमती है स्पीड में तो एक ब्राउन कलर, भूरा कलर दिखाई देता है आपको, ब्राउन कलर, भूरा कलर दिखाई देता है आपको। बहुत ही सुंदर किट तैयार है आपके सामने, बहुत ही कम समय में आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये किट पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो तो आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।